हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीकेंड आ गया है, आज है सैटरडे और आज मैं अभी वेज खा रही हूँ छठ पूजा के लिए, तो सोचा आज वेज बिरयानी बनाऊं। वेज बिरयानी आप लोगों को लगे कि पुलाव ही है, हाँ जो भी है मैंने भी यूट्यूब से ही देखा है इसकी रेसिपी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे इसकी रेसिपी और बताएंगे कि कैसा बना। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ये, तो देखते हैं चलो कि कैसा बनता है। तो मेरा सबसे फर्स्ट काम है कि मैं अनियंस को चॉप करूँ सीधा सीधा करके, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट लाइक रेसिपीज व्हेन आई वॉच एनी रेसिपीज इन यूट्यूब, तो मुझे लगता है कि हाँ वैसे ही करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मैं कल एक मीम्स भी देख रही थी कि प्याज के अलग अलग टाइप का कट को अलग अलग टेस्ट आता है टाइप के कट पे, तो इंडीड दैट्स ट्रू। और यहाँ पे मैं एक ट्रिक के बारे में बताना चाहती हूँ, आई थिंक मेनी ऑफ यू नो दिस, बट अगर प्याज काटते वक्त हम इसको इसके छिलके को ऐसे कान के पीछे लगा ले तो हमें आंसू नहीं आता। आई हैव ट्राइड इट मेनी टाइम्स एंड दिस रियली वर्क्स, सो आप लोग भी ट्राई करना। और ये देखो दिन दहाड़े बंदर घूम रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर है, तो मैं हमेशा अपना गेट लॉक करके रखती हूँ क्योंकि ये लोग इंसान से भी ज़्यादा शातिर होते हैं। अभी ये नींबू के पेड़ पे आया था और नींबू शायद खाएगा या नहीं पता नहीं, पर उसको कुछ नहीं मिला तो वो चला गया। मेरा प्याज काटना हो गया है और मैं अभी चावल चढ़ा दूंगी। चावल को पूरा पकाना नहीं है, 70-80% पकाना है। मैं इस भगोना पे चावल चढ़ाऊंगी, तो मैंने चावल धो के रेडी कर लिया। अभी मैं इसको गैस चला दूंगी इसका, और ये होते रहे, मैं इसको ढक भी देती हूँ। मैंने जो प्याज काटे थे उसमें से मैंने थोड़े से प्याज इसमें ले लिए ज़्यादातर, और थोड़ा सा रख दिया है। और ये जो प्याज है इसको मैं अभी फ्राई करूंगी, मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। मेरा तेल गर्म हो चुका है और मैं यहाँ पर प्याज डालूंगी, और हर बार का है कि तेल से डर लगता है तो मैं दूर चली जाती हूँ, और इसीलिए मेरी मम्मी भी मुझे चिढ़ाती है कि तेल में कुछ डालेगी और 1 किलोमीटर दूर चली जाएगी, डर लगता है तो लगता है यार। पर ये सोयाबीन ऑयल है तो ये उतना छिड़कता नहीं है, सरसों का तेल काफी ज्यादा छिड़कता है। इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज तो अपने पेज पे फ्राई हो रहा है और मेरे पास और भी काम है, मैं वो सब भी कर लूंगी। तो ये रहा, मैंने एक पैकेट लिया है यहाँ पे सोयाबीन का। जब हम चावल चढ़ाए थे तो उस पे हम ज़्यादा पानी देते हैं ऑफकोर्स, तो उसी का पानी मैं सोयाबीन पे डालूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और वो पानी भी गर्म भी है, ये अच्छे से काम करेगा। ये अनियंस को फ्राई करते वक्त काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है, मैंने इससे पहले रियलाइज नहीं किया था। और मुझे इतना सारा प्याज तो चाहिए, इसके साथ मुझे काफ़ी सारा धनिया भी चाहिए, तो तब तक मैं धनिया काट लेती हूँ। मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया था धनिया, 20 रुपये का काफ़ी सारा दिया है, पता नहीं ये मैं खा भी पाऊँगी या नहीं, या खड़ा भी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लूँगी। और मैंने अब जो आप लोगों को दिखाया था कि वो बंदर आया था उस नींबू के पेड़ से, मैंने बहुत सारा नींबू तोड़ा है, बहुत पहले तोड़ा था, तोड़ा वो कच्चा था, अभी ये पक गया है तो मुझे नींबू खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे चावल पे एक उबाल आ चुकी है और अनियंस भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है, और यहाँ पर मैंने धनिया अच्छे धनिया अच्छे से सेपरेट करके वो लिया है, अभी मैं इसको कट करूँगी। ये मेरा धनिया काट लिया मैंने, और यहाँ पे अनियन भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है,
चावल मैंने चेक किया, अभी 2-4 मिनट पकने से ये भी रेडी हो जाएगा। चावल हमारा रेडी हो चुका है, अभी जो इसका एक्स्ट्रा पानी है तो वो मैं निकाल रही हूँ। तो बिरयानी के लिए चावल रेडी है, फिर प्याज भी रेडी हो रहा है और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। प्याज होते होते मैं ये जो सोयाबीन को भिगाया था ये सबको मैं ऐसे से पानी निकाल के इसको एक कटोरी पे रखूंगी। अनियन इज डन, मैं इस कटोरी पे रखी थी तो बर्तन मैनेजमेंट। ये रहा हमारा अनियन, ऐसे दिखाने से गिरना जा रही है। और अभी है काफी इम्पोर्टेंट पार्ट, तो मैं सारा सामान पहले एक जगह रख देती हूँ। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं नेलॉन्स का यूज कर रही हूँ। मैं पैकेट का जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादा प्रेफर तो नहीं करती, मैं वेज बिरयानी भी कहाँ प्रेफर करती हूँ। तो अभी हम लोग मैरिनेट करेंगे इसको। मैरिनेट के लिए सबसे पहले मैं दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद थोड़ी सी दही, दही देने के बाद मुझे देना है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज्यादा नहीं दूंगी ये कि लास्ट में गरम मसाला देना पड़ेगा मुझे। और ये मीट मसाला खत्म करके इसको, और रेड चिल्ली पाउडर ये भी मैं ज़्यादा नहीं दूंगी, बस गिर जाए। फिर एट द लास्ट नमक, और यहाँ पे मैंने खड़ा गरम मसाला भी रेडी किया है जो कि जब हम सब्जी बनाएंगे तब यूज़ में आएगा। तो इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा सा नींबू दूंगी सोचा था, ये भूल गई तो मैं इस पे थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा ऐड नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने दही ऐड कर रखा है। मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैरिनेट करके इसको कुछ देर के लिए रख दूंगी। तो ये रहा मेरा सोयाबीन मैरिनेशन, इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं। इसको साइड पे रख के थोड़ा इस जगह को क्लियर करते हैं क्योंकि लग रहा है कि काफ़ी मिस हो गया है। मैंने एक टमाटर ले लिया है, नाउ वी विल प्रोसीड टू फर्दर प्रोसेस। मैंने फिर से ओवन को ऑन कर लिया है, थोड़ा सा तेल इसमें ऑलरेडी है, मैं और भी थोड़ा ऐड करूँगी। तो मैंने सेम कढ़ाई पे, और उसका तेल भी था थोड़ा सा प्याज फ्राई का, तो उसमें और थोड़ा सा तेल मैंने ऐड कर दिया है। तो तेल अभी गर्म हो रहा है, तब तक मैं रेडी कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या मसाला डालना है। होते रहे फिर मैं थोड़ा सा ये गोल मिर्च मैंने अलग से रखा है इसको मैं थोड़ा कूट लूंगी। गोल मिर्च भी कूट के डाल दिया है, अभी मैं डालूंगी
मैं डालूंगी टमाटर काट के। अभी जो टमाटर एंड प्याज था वो थोड़ा लाल लाल हो चुका है, तो अभी मैं सोयाबीन ऐड कर रही हूँ। ये होता रहे, पर मेरे पास एक चीज करना है कि इस चावल को ना मुझे कहीं पे स्टोर करना है। मेरे पास ज्यादा बर्तन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इस पे मैं लेयरिंग करूंगी। मैंने पहले सोचा था कि आलू नहीं लूंगी, तो ये मैंने लेयर की सरकार में से मैं ऐसे साइज में आलू ले रही हूँ। मैंने आलू भी डाल दिया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं चावल पे स्टोर कर, मैंने प्लेट पे चावल स्टोर कर लिया है। वैसे मैंने मैरिनेशन के टाइम पे लगभग सब कुछ दे दिया था, बस मैंने हल्दी नहीं दिया था, तो अभी मैं हल्दी डालूंगी। अभी इस पे मैं हल्का सा पानी देती हूँ, क्योंकि अगर पानी नहीं दूंगी तो जो ग्रेवी होता है बिरयानी का वो कैसे बनेगा। इस पे पानी देने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक देती हूँ ताकि थोड़ा थिक टाइप का ग्रेवी बने। तो जैसा मुझे चाहिए था वैसा बन गया। ये देखो ज़्यादा ग्रेवी, मतलब ज़्यादा तली भी नहीं है और ग्रेवी ग्रेवी टाइप है। अभी मैं इसको थोड़ा धनिया ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा धनिया, और आलू भी सीज गया है। अभी करते हैं लेयरिंग। मैं इस पे लेयरिंग कर रही हूँ, इसको मैंने खाली कर रखा है, और यहाँ पे मैं बटर यूज कर रही हूँ घी के जगह। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बटर क्लिप सा स्लाइस दूंगी इस पे। थोड़ा सा बटर के बाद इनके जगह धनिया दे देंगे, और इसको ऐसे करके फिर मैं डालूंगी, फिर मैं डालूंगी इसकी सब्जी, और मैं कर दूंगी गैस को बंद। सब्जी हमारा कम ही बना है, ज्यादा बना नहीं है। और मैं डालूंगी चावल। चावल डालने के बाद मुझे डालना होगा थोड़ा सा धनिया, और ये जो अनियन बहुत पहले मैंने कैरमलाइज करके रखा था वो। थोड़ा सा बटर, बटर में अगर गला के देती तो अच्छा होता, बट कोई बात नहीं। फिर मैं इस पे डालूंगी एक सब्जी का परत, फिर मैं डालूंगी चावल,
और सारा अनियन यहाँ डाल दूंगी मैं। ये लास्ट लेयर है तो इसमें थोड़ा बटर डालूंगी और थोड़ा ज्यादा डाल देते इसमें। अभी ये कपड़ा मैंने कल अच्छे से इसको मैं ऐसे करके 5 मिनट के लिए हम इसको भाप पे रखेंगे। जैसे कि दम बिरयानी बनता है तो इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, फिर इसको दिखाएंगे कैसा बना है। खिले खिले चावल तो अब खाते हैं। देखो गाइस, देखने में कितना टेम्प्टिंग लग रहा है, ये खाकर देखते हैं कैसा बना है। बहुत ज्यादा टेस्टी बन गया है गाइस, फर्स्ट टाइम बनाने के चक्कर में बहुत बढ़िया है। आप लोग भी बनाना और जरूर ट्राई करके मुझे बताना कि कैसा लगता है।